फंक्शन हम लोगों ने लास्ट क्लास पढ़े थे। फंक्शन क्या होते हैं? फंक्शन एक रिलेशन को ही कहते हैं, बट स्पेशल कंडीशन है। कौन सी स्पेशल कंडीशन है? कि नो डोमेन लेफ्ट बिहाइंड एंड एवरी डोमेन हैज ओनली वन इमेज। ठीक है, एक कोड होते हैं। टाइप ऑफ फंक्शन में सबसे पहले फंक्शन आता है वन पर। कौन सा फंक्शन आता है? फिर आता है मैनी वन। ठीक है, फिर आता है ऑन टू और फिर आता है इन टू। ठीक है, तो वन वन हम को बोल रहे हैं एडजेक्टिव फंक्शन। ऑन टू का स्पेशल नाम होता है सब्जेक्टिव। ठीक है, और कुछ फंक्शन दोनों होते हैं, ऑन वन वन भी होते हैं, ऑन टू का उन दोनों को बोलते हैं बायजेक्टिव। समझ में आई ये बात? भाई पहले एक्सप्लेन करो, पहले चार कैटेगरी समझो, कौन कौन सी है? वन वन, मैनी वन, ऑन टू, इन टू। अब ये कैसे होते हैं समझाता हूं। वन वन मतलब जो एक है उनसे एक ही इमेज बनती है, एक की एक इमेज। तो फंक्शन है, सिंपल है, एक एलिमेंट की एक इमेज। ठीक है, इसका एक एग्जांपल कोई दे सकते हो? तो मैनी पहले डोमेन के लिए, मैनी बहुत सारे, बट रेंज कितनी है? वन। ऐसा मान लो ये चिल्ड्रन है, ये फादर डिविजिबिलिटी भी हो सकती है, फैक्टर्स हो सकते हैं, तो बहुत सारे हैं। जो ये वाली किसकी कैटेगरी? मैनी। कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट आता है ऑन टू। ऑन टू कौन सा फंक्शन होता है? मान लो यहाँ पे डोमेन में तो कुछ रहना चाहिए, बट अगर को डोमेन, यह भी क्या है? को डोमेन। और रेंज क्या होती है? जो इसके एलिमेंट जिनमें, जैसे अगर मान लो ए बी सी डी, वन टू थ्री फोर फाइव, ये ऐसा था कुछ, तो क्या ये फंक्शन है? बिल्कुल ऐसा। क्या ये वन वन है? वन वन है, बट क्या ये ऑन टू है ना, क्योंकि एक एलिमेंट रह जाएगा। तो कोड में अगर रेंज के इक्वल नहीं हुई, कोडोमेन क्या है? वन टू थ्री फोर फाइव। रेंज क्या है? वन टू थ्री फोर, इक्वल नहीं हुई। बट अगर मैं क्या हटा, तो अब ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन हो गया, इन टू फंक्शन नहीं। तो अगर मैं आपसे बोलूं वन वन की आप डेफिनेशन क्या बोलोगे? वन वन एवरी डोमेन हैव वन एंड स्पेसिफाइड वन इमेज, स्पेसिफाइड मतलब एक के। और मैनी वन, वेन मोर देन वन फंक्शन वन डोमेन हैव वन इमेज, वन इमेज इन को डोमेन। ऑन टू वेन को डोमेन इक्वल टू रेंज, उसको क्या बोलते हैं? ऑन टू। इन टू वेन को डोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, इससे पहले वाला इन टू। ठीक है, अब जो फंक्शन में डाउट होते हैं, क्या सर वन वन ऑन टू हो सकता है? पूछो, ये वन वन ऑन टू, और इससे पहले जो था लिखा हो वन वन इन टू, क्या सर मैनी वन ऑन टू हो सकता है? पूछो, सकता है। हो रहे हैं ना, मैनी वन ऑन टू, दो एलिमेंट है, दोनों ही इन्वॉल्व है। क्या सर मैनी वन इन टू हो सकता है? बिल्कुल ठीक हो रहा है। तो ये फंक्शन आपस में रिलेट करते हैं। तो हमें ये कैटेगरी पता लगानी है कि वन 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 है, फंक्शन वन वन है, ऑन टू है, इन टू है, यही है। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं इसमें? आज हम जो सीखेंगे सबसे पहली चीज, और ये क्लास ट्वेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आज हम जो सीखेंगे वो हम सीखेंगे फंक्शन का वन वन प्रूफ करना। ठीक है, तो वन वन प्रूफ करना अगर आपको आ गया, तो अगर वन वन प्रूफ नहीं हुआ तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा?
सिर्फ अंगूठी चलनी है। अगर वो फंक्शन वन वन नहीं है ठीक है। अच्छा अब एक नॉर्मल से एग्जांपल ले लेता हूँ। एक फंक्शन है मान लो एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री, बिल्कुल बेसिक से एक एग्जांपल ले ठीक है। अब इसे आप प्रूफ करने जा रहे हैं वन वन। अब देखो प्रूफ क्या होता है, ए लेट देयर आर टू, देयर आर टू आर्बिट्री वैल्यूज, आर्बिट्री बोले तो रैंडम कोई सी भी, ए बी बिलोंग्स टू एक्स, बिलोंग्स टू एक्स क्यों क्योंकि एक्स क्या है डोमेन, तो वो उसको बिलोंग करते हैं ठीक है। अब ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट टू आर्बिट्री वैल्यूज तो दो, और हम बोल रहे हैं वन वन, तो दोनों से क्या आंसर आएगा अलग। वन वन बोल रहा हूँ, एक एक अगर मैं पहला फंक्शन डालूंगा तो एक आंसर आएगा, दूसरा डालूंगा तो दूसरा आंसर आएगा। समझे या नहीं समझे भाई? अभी ये एफ एक्स है, इसमें वन डालोगे तो क्या आंसर आएगा, टू इंटू वन टू प्लस थ्री फाइव, और थ्री डालूंगा तो थ्री टू जस्ट सिक्स प्लस थ्री एंड नाइन, अलग आंसर आ रहे हैं ना। बट मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से, मैं बोल रहा हूँ एफ ए इक्वल टू एफ बी। अब ये मैं क्या बोलना मान, मैं बोलना क्या मान, एफ ए फंक्शन एफ बी, और एफ ए और बी क्या होता है, ए और बी तो डोमेन है, बट एफ ए क्या होता है रेंज, रेंज, और एफ बी भी ऐसी क्या होगा रेंज। ए और बी एक ही वैल्यू है अलग अलग, बट मैं दोनों की रेंज एक बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या बोलना मान रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये दो अलग वैल्यू तो है बट ये दोनों एक ही रिजल्ट दे रही हैं। बात समझ में, दो अलग वैल्यूज हैं बट दोनों क्या कर रही हैं, एक ही रिजल्ट दे रही है। मैं मतलब प्रूफ करना चाहता हूँ मैं वन वन, बट रास्ता कौन सा पकड़ रहा हूँ, समझ में आया। अब मैंने लिख दिया टू ए प्लस थ्री टू बी प्लस थ्री, इसको बढ़ाओ, डाउट तो नहीं है, थ्री से थ्री काट दिया क्या बचा, टू ए इंटू टू इक्वल टू बी। भाई साहब मैंने क्या बोला, स्टार्टिंग क्या करी, लेट ए बी आर द टू आर्बिट्री वैल्यू बिलोंग्स टू डोमेन, दो अलग अलग वैल्यू मानी, बस ये मैंने मन को ये प्रूव करा कि दोनों वैल्यू का एक ही आंसर आना चाहिए, यानी दो डोमेन की एक ही वैल्यू होनी चाहिए। मैं ये मन प्रूव करना चाहता हूँ, बट मुझे इस प्रूफ करते करते क्या मिल गया कि भैया जिन दो, अगर तुम दोनों की वैल्यू एक है तो जिन दो तुम अलग वैल्यूज को बोल रहे हो वो दो अलग वैल्यू नहीं है, वो एक ही वैल्यू है, ये तो आया ना प्रूफ करके। तो हेंस फंक्शन इज वन वन, बात समझ में आई है नहीं, हम प्रूफ क्या करने गए थे, मैं नहीं बन गया, हम क्या प्रूफ करने गए थे, मैं नहीं बन, बट आ क्या गया वन वन, क्लियर है ओके। एक फंक्शन देख लेते हैं जो जो आपका वन वन ना बने ठीक है, इससे आपको समझ में आ जाए भाई क्या चल रहा है, मित्र हमारे कुछ आया नहीं पल्ले। चलो एक फंक्शन देख लेते हैं, ये आपको पता है इसको क्या कहते हैं, इस चैप्टर में थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, इसको बोलते हैं ग्रेटर इंटीजर फंक्शन, क्या बोलते हैं ग्रेटर इंटीजर फंक्शन, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन यानी कोई भी वैल्यू आप डालो तो इसमें आपके आंसर उसका जो इंटीजर पार्ट है बस वही आएगा ठीक है। अब ध्यान से सुनो, इसमें डालो 1.1 क्या आंसर आएगा, 1.2 क्या आंसर आएगा, 1.3 क्या आंसर आएगा। अब मन में आओ सर आपने ऐसा क्यों करा, अगर आपको एक ऑर्डर पे मिल रहा है इसके लिए आपका वैल्यू पता चल रहा है ये वन वन को फॉलो नहीं कर रहा तो आप उससे डायरेक्ट मैं नहीं मत प्रूफ करो, 1.1 डालो ना, मान लो ये x belongs to real number दे रखा था, x belongs to क्या दे रखा था real number, ये ना सारे 1.1 real number है, हिसाब से क्या 1.2 डालने से क्या, तो आप बोल लो दो वैल्यू के लिए क्या आ रहा है तो 1.1 तो हो नहीं सकता, कोई डाउट ओके। एक और को देख लेते हैं,
देखो इससे चीजें समझ में आएंगी ना तो बेटर रहेगा। देखो फंक्शन है एफ आर टू आर, यानी डोमेन क्या है, रियल नंबर, रेंज भी क्या है, रियल नंबर, डिफाइंड बाय एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स, नहीं रियल नहीं है सॉरी, इंटीजर टू इंटीजर, और एट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। देखो सबसे पहले आपकी स्टेटमेंट क्या होगी, लेट ए एंड बी
टू ए बी यहाँ चाहिए था, ये आया होगा ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर टू इंटू ए इंटू बी बाय टू, ये बी बाय टू का होल स्क्वायर। अब आया समझ में अभी के लिए, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, समझ में आ रही बात? अब तो कहोगे सर यहाँ तो बी स्क्वायर था, आपने खेती करके क्या बी स्क्वायर बाय फोर लाया, भैया यहाँ पे थ्री बी स्क्वायर बाय फोर नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी क्या फॉर्मूला होता है? ए प्लस क्या? अब जब आप दिखा दो ए नेगेटिव बी है पॉजिटिव, कोई भी रियल नंबर उसका स्क्वायर हो, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, ये भी बी है उसका भी स्क्वायर पॉजिटिव या नेगेटिव, ये कभी वैल्यू जीरो से छोटी हो सकती है? This will always be greater than zero. हाँ, A और B zero हो तो equal भी हो सकता है, but बाकी सब केस वही है ना? तो अब मुझे बताओ क्या ये कभी equal to zero होगा? सिर्फ एक ही केस है equal to zero होने का, कौन सी था? A और B zero, उसके अलावा नहीं है, कभी नहीं होना। तो हम सिर्फ किस कंडीशन को कंसीडर करेंगे? ये वाली पॉजिटिव कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, नेगेटिव हो नहीं सकती रिजल्ट ये आएगा ही नहीं कभी, जी इक्वल टू जीरो। ऊपर छोड़ सकते हैं, बट अगर वो रियल टू रियल है, अगर मैं नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर बोल दूं तो ये वाला कंसीडरेशन भी लेना पड़ेगा, ठीक है? कॉपी करो आर, इसका मतलब क्या है? रियल नंबर है बट चेंज नहीं कर सकता उसे, फंक्शन में डोमेन में रियल नंबर है बट ये नहीं कर सकता, और रेंज क्या है? रियल नंबर डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू फाइव एक्स प्लस सेवन अपॉन एक्स माइनस थ्री, वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस थ्री। अब ये समझ में आ रहा है? क्यों रियल है जाना लोग जीरो फॉरवर्ड वन अपॉन जीरो इनफाइनाइट होता है या अनडिफाइंड होता है, ठीक है? सर जाओ लिखनी है, मैंने लिखवा रखा है, मैंने लिखा -21 -21 से -21 काटो, 5ab से 5ab काटो, -15 है, सेवन ए जाके प्लस का हो गया, 7a प्लस 15 है, -15b से जाके प्लस का हो गया, 15b प्लस 7b कितना हो गया? 22b 22a -a = b
एंड द फंक्शन इज वन वन। अब सुनो, ऑन टू फंक्शन मैंने अभी आपको बताया था, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, जो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, वो वन वन भी होना चाहिए ऑन टू भी होना चाहिए। अब तुम्हारे क्वेश्चन में अभी सिखाया गया ऑन टू क्या होता है और एक्सरसाइज भी उसी के बेस पे ऑन टू प्रूफ करो। मोस्टली क्वेश्चंस वही है, ऑन टू प्रूफ करो, ऑन टू प्रूफ करो, सॉरी ऑन टू कह रहा हूँ, बाइजेक्टिव प्रूफ करो। तो बाइजेक्टिव जो फंक्शन होते हैं वो फंक्शन होते हैं जिसमें वन वन भी हो और ऑन टू भी हो। तो आप जब एक्सरसाइज करोगे, अब ये कुछ क्वेश्चन जो मैंने करवाए, अब जब आप एक्सरसाइज करोगे तो आप एक्सरसाइज में वो वाले क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 10 क्वेश्चन है, 10-11 है, तो उसमें क्या करना है, उन क्वेश्चनों में आप ऑन वन वन देखोगे हो रहा है नहीं हो रहा है, यानी अगर वो क्वेश्चन आपको बोला बाइजेक्टिव प्रूफ करने को, आप उसमें क्या प्रूफ करेंगे, वन वन, ऑन टू नहीं करेंगे। ऑन टू नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे ऑन टू क्या होता है और उसके बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब इतना काफी है जिससे आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो, बाकी हम और प्रैक्टिस।